वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग आए हैं लंदन दोबारा से। लंदन में कहाँ? वेम्बली। और हम वेम्बली आए हैं कुछ बहुत सारे कामों के लिए, बट देन फर्स्ट ऑफ ऑल आवर फर्स्ट स्टॉप इज वेम्बली। व्हाट इज दिस कॉल्ड? वेम्बली लंदन आउटलेट पार्क, व्हिच इज नहीं लंदन आउटलेट और वेम्बली आउटलेट, आई डोंट नो द नेम। वेम्बली आउटलेट पार्क समथिंग। यहाँ पे भी वही सेम सारे ब्रांड्स वगैरह, बीस्ट विलेज का छोटा भाई, तो वही सीन है। इट्स कॉल्ड लंदन डिजाइनर आउटलेट व्हिच इज इन वेम्बली पार्क। और ऑफिशियली ठंड आ गई है वापस, हमें ऐसा लग रहा है क्योंकि आज सुबह 6 डिग्री था। एकदम से टेम्परेचर बढ़ गया लंदन में। बढ़ नहीं गया, कम हो गया है। कम हो गया मतलब ठंड बढ़ गई है। हाँ, बट आज सनी है। सनी है पूरा दिन, बट 14 डिग्री मैक्स जाएगा। सो जैकेट वैकेट पहन के आए हैं हम तो, स्वेटर। जैसा आउटलेट हमने आपको ब्रेंट्री में दिखाया था या फिर बीस्टर, आपको पता होगा, वैसा ही एक आउटलेट यहाँ वेम्बली में भी है। So we'll check that out today. आपको दिखाते हैं यहाँ पे क्या क्या ब्रांड्स हैं। And is it worth coming here? सेल भी लगी हुई है अभी मेरे ख्याल। हाँ, end of season sales etc. But we'll show you around and we'll see for ourselves as well for the first time कि कैसा है ये। And we'll let you know if it's worth coming here. So let's go and explore London Designer Outlet in Wembley Park. First store we went to was Moss Brothers and I got two t-shirts for only £20, so really good deal. And this is actually the first store as you enter. Baki stores is taraf hai, so we hum jaate hain aur stores mein and dekhte hain ki kya deals and sale lagi hui hai yahan pe. Let's go. Yahan pe aaye hum ab. यहाँ पे भी काफी अच्छी सेल लगी हुई है। हाँ, ये अच्छा लग रहा है, बट साइज नहीं मिलता, वही प्रॉब्लम है अगेन। It's 2 for £10.50, which is a great deal, because if you buy one, it's £6 something. तो ये आउटलेट पार्क बहुत बड़ा नहीं है, बट ऑलमोस्ट ऑल बिग ब्रांड्स आर हेयर। सो हमने अभी तक चॉकलेट्स और दो टी शर्ट्स खरीदी हैं। नाउ वी आर गोइंग टू एडिडास एंड नाइकी, बिकॉज शूज़ ले रहे हैं मुझे। आई विल ऑल्सो चेक आउट नॉर्थ फेस फॉर एनी गुड डिस्काउंट्स दैट वी कैन फाइंड। सो या काफ़ी पास है वेम्बली सेंट्रल स्टेशन से एंड इट्स नियर दी वेम्बली स्टेडियम एज वेल। सो अगर आप वेम्बली आ रहे हो यू एंड यू कमिंग फॉर शॉपिंग, डू विजिट दिस लंदन डिज़ाइनर आउटलेट। इट्स अ गुड प्लेस, यू गेट गुड डील्स एंड बेटर देन बाइंग फ्रॉम हाई स्ट्रीट। सो ये थोड़ा छोटा है ये वाला आउटलेट पार्क, नॉट अ लॉट ऑफ ब्रांड्स, बट मेजर वाले आपको मिल जाएंगे सारे। सेल अच्छी है, प्राइसेस अच्छे लगे हुए हैं, 20-30% ऑफ ऑन आउटलेट प्राइस, विच इज़ अ ग्रेट डील। एंड थैंकफुली वेदर बहुत सनी है आज, तो थोड़ा अच्छा लग रहा है धूप में, बट ठंड काफ़ी है। सो यहाँ करते हैं अभी हम शॉपिंग, शूज़ लेने हैं मुझे एडिडास या नाइकी, चेकआउट करते हैं अभी, देन वी विल प्रॉबली गो टू ईलिंग रोड टू हैव गुड इंडियन स्ट्रीट फूड।
सो या दिस इज़ लंदन डिज़ाइनर आउटलेट इन वेम्बली. सो आप कुछ चलते हैं और दिखाते हैं जो रिमेनिंग स्टोर्स हैं. एंड some good discounts. I got a pair of shoes only for £30, which was a really good deal. Now mera budget tha zyada ka, so I can now buy two shoes for the same budget. So we're now going to Adidas. Hum kuch bahut time se shoes dhoond rahe hain, but ab mile hain to saste se mil gaye isko. Ab ek aur dikhega kahin aur. Abhi yahan pe Puma bhi hai and then Adidas bhi hai. So there's North Face as well, so we're gonna go check that out. तो फुल मज़े हो रहे हैं, उसको शूज़ मिल गए हैं दो पेयर, तो यहाँ आना सफल हो गया आई गेस. अभी मैं देख रही हूँ M&S आउटलेट, आई लव M&S. तो आउटलेट में देखते हैं कुछ खास है कि नहीं है. वैसे आई एम जस्ट ट्राइंग टू फाइंड सम विंटर स्टफ, लेट्स सी इफ दे हैव एनी, कीप यू पोस्टेड. We are now in the Amazon Fresh store, and if you don't know about these stores, यहाँ पे आपको अपनी ऐप से स्कैन करके आप एंटर करते हो, एंड देन यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग. आप बस सामान उठाओ एंड आप बाहर निकल जाओ, एंड आपके कार्ड से Amazon विल ऑटोमेटिकली डिडक्ट दी अमाउंट. सो इट्स लाइक एनी अदर ग्रोसरी स्टोर. सामान भी ऑलमोस्ट सेम है यहाँ पे, जो चीज़ें टेस्को या फिर सेंसबरीज में मिलती हैं, बट it's a good experience and something different and unique and maybe the future of grocery shopping. Only bought a water bottle and a small dessert. Pastel de nata. कैसा था एक्सपीरियंस? काफी AI फीलिंग आ रही थी. देखती हूँ. So it was. This was Amazon Fresh. It's like any other grocery store. And you don't have to pay for anything. I mean, in the store, but yeah, virtually you are paying Amazon whatever you app pick से up. आपका कार्ड कनेक्ट हो जाएगा एंड देन यू आप एंटर करते हुए आप कनेक्ट करोगे अपना कार्ड और स्कैन करोगे अमेज़न ऐप अपनी और फिर आप एंटर करोगे एंड देन यू व्हाटएवर यू पे दे बेसिकली डिडक्ट द कॉस्ट चार्ज यू फॉर व्हाटएवर यू पिक अप. सो आई डोंट नो हाउ एक्यूरेट the system is, well, that we'll find out jab paise katenge. Haan abhi to kate nahi hai, pata nahi kyun abhi your orders mein dikha nahi raha, maybe probably thodi der mein, so maybe they'll charge us after some time, but we'll see ki kitna accurate hai system. So that was the London designer outlet in Wembley Park, and unexpectedly kafi shopping hui hamari, because kafi acha discounts and prices mil gaye hame. So this is near Wembley Central Station, Wembley High Street पे ही के पास ही है ये. 15 minutes walk from the tube, basically tube station, which is Wembley Central. Yeah. So if you are in Wembley, do visit here. यहाँ पे almost सारे जो necessary brands होते हैं वो हैं, and there were good deals on shoes and clothes, so you can get a good price for the clothes and everything that you want to buy, and काफ़ी अच्छा discount मिल जाता है again outlet stores पे. And yeah, so this is a small area,
So that was it. Now we are going to have some food in Wembley. So that you'll see in the next vlog. So if you're new to the channel, please do subscribe to the channel, do like our videos, share it with your friends, and do let us know in the comments if you want videos on any other topics. And yeah, so this was Wembley, and thank you for watching. Bye.